वर्ल्ड कप 2023 में भारत के नाम कई जो रिकॉर्ड है वो दर्ज हो रहा है। बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक हर कोई अपनी काबिलियत का लोहा दुनिया को मनवा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के 49वें शतक के साथ अब सीधे तौर पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बराबरी के साथ ही विश्व के रिकॉर्ड बनाने की दिशा में विराट कोहली ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सचिन तेंदुलकर 49 शतकों के साथ क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर कायम है। विराट के लगातार जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ते जा रहा है। अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने वाले विराट कोहली ने एक सपना देखा था, वो सपना आज साकार हो गया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बराबरी कर। हालांकि पिछले दो मैचों में विराट कोहली शतक बनाने से चूक गए, और आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज ही विराट कोहली का जन्मदिन है। विराट अपने जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस को सबसे बड़े तोहफा के तौर पर इस मैच में शतक बनाकर उन्होंने दिया है। मात्र 119 गेंदों पर विराट ने यह शतक बनाया है। भारत को एक मजबूत शुरुआत देने के साथ भारतीय क्रिकेट टीम पर आजकल जो भी संकट आता है वो विराट उस संकट को संकट मोचन बनके विराट प्रदर्शन करते हुए दूर कर देते हैं। और विराट के बल्ले का कमाल ही है कि भारत कई मुसीबतों से जूझते हुए विराट के बदौलत जीत का जो जश्न है वो मना पाया है। लेकिन आज भारत ने जो इतिहास विराट के बल्ले से दर्ज किया है वो इतिहास अब दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बामुश्किल ही तोड़ पाएंगे। विराट कोहली के कैरियर की शुरुआत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कहा जाता था कि हाल के दिनों में जब भारत की कप्तानी विराट कोहली को छोड़नी पड़ी थी तब यह सवाल उठा कि विराट कोहली को अब क्रिकेट से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन विराट कोहली ने अपने दम पे यह बता दिया कि भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद प्लेयर के तौर पर वो आज भी जरूरत है, टीम को उनकी जरूरत है। और यही वजह है कि टीम जब भी मुश्किल में पड़ी है विराट कोहली ने उस मुश्किल में संकट मोचन विराट के तौर पर उभर कर सामने आए। और आज विराट कोहली ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत बढ़त दिया है, बल्कि आज अपने जन्मदिन पर अपने पूरे फैंस को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। विराट कोहली जब 99 रन पर जब खेल रहे थे 98 रन पर खेल रहे थे तो पूरे ग्राउंड से बस एक ही शोर सुनाई दे रहा था, विराट विराट विराट। शतक के इंतजार में पूरे मैदान के अंदर, कलकत्ता के मैदान के अंदर, ईडन गार्डन का वो मैदान है, इसी खेल ग्राउंड में तमाम जो प्रशंसक पहुंचे हुए थे, क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हुए थे, उन सभी को विराट कोहली से इसी बात की उम्मीद थी। सभी ने अपने मोबाइल फोन से यह ऐतिहासिक लम्हा दर्ज करना शुरू कर दिया। जितने समर्थक थे सबके हाथों में जो मोबाइल फोन था उन सभी मोबाइल फोन में फ्लैश लाइट जल रही थी, और इससे बड़ा प्रदर्शन कुछ नहीं हो सकता है। क्रिकेट के जितने भी जानकार हैं हर कोई आज विराट कोहली की प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जन्मदिन के मौके पर कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है, 119 गेंदों पर शतक जड़ा है सचिन तेंदुलकर ने। तो वर्ल्ड कप में कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और कोहली का भारतीय क्रिकेट के अंदर एक मजबूत प्लेयर की तरफ आज सचिन तेंदुलकर के बराबरी करते हुए कोहली ने अपना 49वां शतक पूरा कर लिया। अभी भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कई मैच खेलने वाली है और रिकॉर्ड का जो सिलसिला है वो आगे जारी भी रहेगा। विराट कोहली के विराट प्रदर्शन क्रिकेट में डेब्यू कब किया हमारे सहयोगी शैलेंद्र, विराट कोहली ने आज जिस तरीके से मैच खेला है सबका दिल खुश कर दिया है। उनके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई थी? उनकी कैरियर की शुरुआत मैं बताऊं 2008 में श्रीलंका के खिलाफ उनकी डेब्यू हुई थी, और उस मैच में भी वो काफी अच्छा खेले थे। 2011 तक सचिन भी उनके साथ थे जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। आज सचिन तेंदुलकर का जो 49वां सेंचुरी है उसके बराबर विराट कोहली पहुंच चुके हैं। विराट कोहली को 49वां शतक मारने के लिए 277 मैच का सामना करना पड़ा। मैं बात करूं वहीं तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 452 मैच खेलना पड़ा तो वो 49 के करीब पहुंचे थे। 49 उनका शतक हुआ था
और 2011 के वर्ल्ड कप में वो संन्यास लिए थे, तो उन्होंने पीठ थपथपाई थी। आज से 14 साल पहले विराट कोहली की शुरुआत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा शतक का अगर कोई बराबरी कर सकता है कोई देश में है तो इंडिया का ही प्लेयर होगा, वो होंगे विराट कोहली। तो सचिन का आशीर्वाद प्राप्त था और इस मैच का साक्षी बनने के लिए सचिन तेंदुलकर भी ईडन गार्डन मैच में पहुंचे थे, और इससे पहले जब विराट कोहली 82 पर आउट हुए थे तो उस समय भी सचिन तेंदुलकर उस मैच के गवाह बन रहे थे। मगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो 90 प्लस से अगर कोई सबसे ज्यादा वनडे में कोई भी बैट्समैन आउट हुआ है तो वो सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो विराट कोहली। इससे पहले भी विराट कोहली सेंचुरी मार सकते थे, आज उनका लगभग 50वां सेंचुरी होता मगर वो बैड लक कहिए, ठीक है, तो वो 49वां सेंचुरी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के करीब पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि सचिन से आगे निकलना, तो सचिन का आशीर्वाद प्राप्त है और ईडन गार्डन में यह वर्ल्ड कप का मैच चल रहा, दो बड़ी टीमें खेल रही है जो टॉप ऑर्डर में है। पहला पोजीशन पर इंडिया है, दूसरी पोजीशन पर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका और इंडिया की दोनों की अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों ईडन गार्डन है, बॉल बैट्समैन पिच है, बॉल वहां स्पिन की चलती है, फास्टर का नहीं स्पिन वहां बढ़िया बॉलिंग, तो वो उस जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुरुआत किया और जिस तरह से विराट कोहली ने आके पारी को संभाला, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि विराट कोहली एक भी छक्का नहीं मार पाया इस सेंचुरी में और 119 बॉलों का सामना करते हुए 100 रन बनाए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस मैच में किस तरीके से विराट ने कीर्तिमान स्थापित किया। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने सीधे तौर पर आज जो मैच खेला उसमें नाबाद 101 रन विराट कोहली ने बनाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।